तीस रुपये का फ़ैन है, 30 रुपये का फ़ैन है, ये भी 30 रुपये का फ़ैन है, ये भी 30 रुपये का फ़ैन है, ठीक है। चारों ही फ़ैन सक्षम है हीट को बाहर निकालने के लिए इन्वर्टर की, ठीक है। अगर हमारे प्रोसेसर का जो टेम्परेचर है 200 डिग्री पहुंच जाता है तो इसे 50 तक ले आता है नीचे ड्रॉप करके, ठीक। ओके दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल, अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को नुकसान नहीं होना चाहिए अगर आप किसी चीज़ के पैसे दे रहे हैं, यानी कि आपने कुछ खर्च किया तो आपको सही चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए ये मैं UPS जो CPU के फ़ैन आप देख सकते हैं, इनको मैं लाया था, ठीक है। ठीक है, ये जो फ़ैन है, ध्यान से समझिएगा आप, कि ये जो फ़ैन है ये मैं 30 रुपये पर पीस, वैसे 40 के दे रहा था शॉपकीपर दुकानदार, लेकिन मैं 30 रुपये पर पीस के हिसाब से लाया और मैं 4 फ़ैन लाया, ठीक है। दोस्तों आप देखिएगा, उस समय मैं अचानक से मतलब थोड़ा जल्दबाजी में था तो मैं इसको फटाफट से ले आया, देख मैंने ये चेक नहीं करा कि किसी पे स्टिकर अलग है और किसी पे स्टिकर अलग लगा हुआ है, यानी कि इस पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हालांकि उसने बोला था कि चारों फ़ैन लोकल हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लोकल की कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस पर लिखा हुआ है कि ये 0.14 एम्पियर लेगा, ठीक है। इस पर भी ये लिखा है कि ये 0.14 एम्पियर लेगा, ठीक है, यानी 140 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। इस पर कितना लिखा है ये देख सकते हैं, इस पर लिखा है ये 0.30 एम्पियर, ठीक है, और इस वाले पे भी 0.30 एम्पियर, ये सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है। अब धोखा कहाँ पे होता है, या तो आप दुकान पे अगर जा रहे हैं तो अपना जो है ये सिस्टम लेके जाएं चेकिंग का, तो दुकानदार मना नहीं करता है, आप चेक करके ले सकते हैं, ठीक है, मना नहीं करेगा कोई भी दुकानदार, क्योंकि उसको प्रोडक्ट बेचना है तो वो आपको चेक करने देगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताता हूँ कि जितना भी इस पर लिखा रहेगा, ज़रूरी नहीं वो फ़ैन उतना ही कंजम्पशन करेगा। मैं आप लोग को चेक कराता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.14 एम्पियर लेगा 12 वोल्ट पर, ठीक है, तो बिल्कुल एक्यूरेट मैं सेट कर देता हूँ। देखिए भाई, 12 वोल्ट मैंने सेट कर दिए और इसमें हम सप्लाई देते हैं, ये हम इसमें सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया और ये हमने पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, फ़ैन हमारा चलने लगा है और फ़ैन की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सा चल रहा है, क्योंकि हाई क्वालिटी फ़ैन नहीं, लोकल सा फ़ैन है, बस इसमें हॉल इफेक्ट सेंसर लगा होगा जिसकी वजह से ये घूम रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसके एम्पियर, देखिए 0.07, यानी कि मतलब कि आधे एम्पियर ही ले रहा है, जबकि यहाँ पर लिखा था 0.14 और ये ले रहा है 0.07, आधे एम्पियर ले रहा है, ठीक। अब मान के चलते हैं ये वाला ले लेते हैं, इसके 0.30 एम्पियर लिखे हैं, ठीक है, 0.30 एम्पियर लिखे हैं इसके, और इसको मैंने जब सप्लाई दी तो इस पर देखिए कितनी बुरी कंडीशन है, केवल 0.03 एम्पियर, ये देखिए, जबकि इसके बाद लिखा है 0.30, यानी 300 मिली एम्स, आप समझ सकते हैं। और लेकिन इसकी जो है स्पीड फिर भी अच्छी है, इस दूसरे वाले इसकी तुलना में इसकी स्पीड अच्छी है, लेकिन इसके एम्पियर काफ़ी कम ये ले रहा है, ठीक है। तो जो लोकल फ़ैन होते हैं उसमें यही रहता है, ओरिजिनल में जितना लिखा होगा उतना ही वो लेगा। आप देखिए ठीक इसी में का ये एक फ़ैन है, ठीक है, अब इसके मैं अगर आप लोग को चेक करके दिखाऊं तो देखिए ये कितने जो है ये मैंने लगाया, तो अब यहाँ पर इसकी जो स्पीड है इस वाले फ़ैन की तुलना में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसकी स्पीड कम है, इसकी डबल, इसकी 3 टाइम्स है इसकी स्पीड इससे, ठीक है। और लिखा हुआ है 0.3 एम्पियर ले रहा है, कितना 0.11 एम्पियर, लेकिन स्पीड अच्छी है, एक ये फ़ैन है, इस पर लिखा हुआ है 0.14 एम्पियर, ठीक है। इसको और चला देता हूँ, फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा अपनी बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लगाया, इस पर लिखा था 0.14 एम्पियर, ठीक है, और ये ले रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है, अभी देख लेंगे, चल ले दें इसको 0.11, ठीक है। तो यानी कि ये वाला फ़ैन है जितना इस पर लिखा है 12 वोल्ट 0.14 और 12 वोल्ट 0.11, यानी काफ़ी हद तक ये फ़ैन हमारा सही काम कर रहा है, जितनी लिखा है उतनी स्पीड, मतलब स्पीड भी इसके RPM में अच्छे हुए। कुल मिला के ये बात है दोस्तों, मैंने पर फ़ैन 30 रुपये के हिसाब से लिया, ठीक है, लेकिन चारों ही फ़ैन जो लिखे हैं वैसा, मतलब कि चारों फ़ैनों में जो अंदर लिखा हुआ है वो आउटपुट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि किसी में लिखा है कि अगर वो 0.14 एम्पियर कंज्यूम करेगा तो वो बहुत कम कर रहा है, 0.04 ही कर रहा है, और किसी में लिखा है कि 0.30 करेगा तो वो 0.14 ही कर पा रहा है, ठीक है। और एक ही फ़ैन था इसमें से, जैसे कि ये इसमें लिखा था 0.14 लेगा तो इसने 0.11 लिया, ठीक है। तो
30 रुपये का फ़ैन है, ये भी 30 रुपये का फ़ैन है, ये भी 30 रुपये का फ़ैन है, ठीक है। चारों ही फ़ैन सक्षम है हीट को बाहर निकालने के लिए सीपीयू या इन्वर्टर की, ठीक है। लेकिन अगर बात करें भाई हाई एंड सीपीयूज़ की, यानी कि जिनमें बहुत बढ़िया वाले जो यूज़ करे जाते हैं ये वाले फ़ैन, वो वाला फ़ैन का मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए वो वाले फ़ैन का भी मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है इस फ़ैन, ये वाला फ़ैन देखिए, ये सीपीयू वाला है हम कह सकते हैं, या फिर हाई एंड गेमिंग का जो सीपीयू होता है उनमें ये लगता है। इसमें हीट सिंक लगी होती है और प्रोसेसर को काफ़ी हद तक कूल करता है। फिलहाल तो मैंने इसे पेल्टर वाले सिस्टम में लगा रखा है। इस फ़ैन में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 चार फ़ैन निकले रहते हैं। दो तो होते हैं सप्लाई के, बाकी जो सेंसर के कि कितनी हीट बने कि इसके आरपीएम चेंज हो जाए, आरपीएम को ट्यून कर, मतलब कि हीट के हिसाब से इसके आरपीएम कम और ज़्यादा करने के लिए ये लगा होता है, ठीक है। और इस फैन को अगर मैं अभी डायरेक्टली जैसे आपको चला के दिखाऊं 12 वोल्ट पर, ठीक है, तो इस फैन की जो स्पीड रहती है वो अगर नॉर्मल चलाएंगे तो नॉर्मल ही स्पीड रहेगी, बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी नहीं रहती, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है, नॉर्मल सी स्पीड है। और इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इसमें सिग्नल चेंज करने पड़ते हैं, मतलब कि वो तो काम जो है अंदर सीपीयू में लगा रहता है, इसके लिए ड्राइवर उससे कंट्रोल होता है। बाकी इसकी अगर मैं बात करूँ तो 300 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, ये यूनिट इतने तक की आती है, 1000 रुपये तक की आती है, 1200 तक की आती है, 2000 तक की आती है। बात यह है कि टेम्परेचर को ये कितना रिड्यूस करता है, कितना कम करेगा। आजकल तो लिक्विड कूलिंग वाले आने लगे हैं, ये फिर भी थोड़ा ओल्ड फैशन लग रहा है, लेकिन ये काम फिर भी ये करता है। अगर हमारे प्रोसेसर का जो टेम्परेचर है 200 डिग्री पहुँच जाता है तो इसे 50 तक ले आता है नीचे ड्रॉप करके, ठीक है। ये फ़ैन भी अलग होते हैं। कुल मिला के अगर ये फ़ैन हमें जो है 200 रुपये का मिलता है ओरिजिनल फ़ैन, तो अगर हमें 50 रुपये का ये फ़ैन मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें सीपीयू में तो हम इसको यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सही बात समझ लीजिए, इन फ़ैन का इस्तेमाल सीपीयू में नहीं कर सकते, ये प्रोसेसर को कूल नहीं करवा पाएगा, ठीक है, इनके आरपीएम इतने नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम किसी भी इन्वर्टर में कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो यूपीएस बनाया था उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इन्वर्टर में कर सकते हैं कि हीट को बाहर निकालने के लिए, कोई प्रोजेक्ट में कर सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन जो है सीपीयू में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। सीपीयू में बहुत बढ़िया क्वालिटी का फ़ैन चाहिए होता है, और सेंसर के साथ कि कितने आरपीएम रहे, कितने टेम्परेचर पे, उस हिसाब से। वीडियो अच्छी लगी हो ऐसी उम्मीद करता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।